कर इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रही हैं करनाल के आरकेपुरम गली नंबर 3 से, जहां एक महिला जो है वो सुबह से अपने घर से लापता है। उनके घर वाले जो है सुबह से उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला का अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सोशल मीडिया में काफ़ी ताकत होती है। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या नाम है इनका जो लापता है, कब से लापता है? जी, इनका नाम सुदेश है। आज सुबह लगभग 5 बजे से ये घर से लापता है। एक्चुअली क्या, पीछे कुछ समय से थोड़ा बीमार चल रहे हैं, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, कई बार भूल जाते हैं अपना जो होता है। तो आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास उठने के बाद, जैसे ही अपना उठे, उठने के बाद पता नहीं ये घर से कहाँ चले गए। जब हमने इनको आसपास कैमरे वगैरह में काफ़ी चेक किया है और गली में भी या पूरे शहर में लगभग हमने कोशिश कर रहे हैं सुबह से, तो इसीलिए आप लोगों को बुलाया कि आपके माध्यम से जितना जल्दी हो उसके हम पता लगाए आप लोगों को। फिजिकल हेल्थ वगैरह ठीक है वैसे? हाँ, फिजिकली बिल्कुल ठीक है ये, बस थोड़ा रहते हैं। फिजिकली भी मेंटली भी दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं ये। दरअसल ये 4 साल से ज़्यादा हैं, और उससे पहले भी इनकी जॉब छूट गई थी 2014 में, तब से इनको टेंशन काफ़ी रहने लगी, जिससे मेंटली और फिजिकली काफ़ी इनको हरासमेंट हुई है। कहाँ जॉब करते थे ये, और मतलब कुछ क्या रीज़न था जॉब छूटने का? ये करते थे मेलाराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, और वो एडेड स्कूल था, उसमें इनकी जॉब थी। फिर वो स्कूल बंद कर दिया गया, तब से हाँ जी। और स्टाफ को दूसरे स्कूल्स में इनको ज्वाइन कराया गया कोर्ट के थ्रू, लेकिन इनको नहीं फिर भी ज्वाइनिंग मिल पाई। उसकी वजह से अब घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है, ये मेरी सिस्टर है और भांजा है, तो उसकी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन है। अब बच्चा अब बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पढ़ाया, और अब ये फिजिकली और मेंटली इतना ज़्यादा वीक हो गई है कि अब तो इनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले कोई घर में ऐसी वैसी बात हुई हो, इन्होंने कुछ कहा हो कि परेशान है? बात नहीं होती ये इनको, मतलब ये 4 साल से पहले ये बैठे बैठे ट्रीटमेंट चलता है इनका, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी चल रहा है और पिपली से भी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं, क्योंकि टेंशन तो जो कहते हो हैं, बिना जॉब के घर का गुजारा इतना मुश्किल आज के टाइम में। आपके क्या लगते हैं सर? ये मेरी बुआ जी हैं, देखने में वैसे बिल्कुल ऐसे जैसे बाहर से देखते हैं बिल्कुल स्वस्थ लगते हैं, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, मेंटली थोड़ा होता है कि अब सब कुछ भूल जाते हैं अपना। एक बार पहले भी हुआ था, लास्ट ईयर की बात है वो, तब हम लोगों ने पूरा दिन ढूंढा, शाम को ये निर्मल कुटिया में किसी की हेल्प से हमें वहाँ पे मिल गए थे। तो हम अपील करते हैं आपके सभी दर्शकों से कि कृपया जितना उसके इसको शेयर करके हमारी हेल्प करें, जितना जल्दी मिल जाएंगे थोड़ा। तो आप देख सकते हैं, एक बार फोटो मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगी। सुदेश बाला जो है इनका नाम बताया जा रहा है, आरकेपुरम की गली नंबर 3 से जो है सुबह 5 बजे से जो है ये मिसिंग है, और बताया जा रहा है कि जॉब इनकी चली गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में रहती थी, मेंटली डिस्टर्ब थे थोड़ा सा, जिसकी वजह से आज सुबह से 5 बजे से जो है घर से निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अता पता नहीं है। पूरे करनाल भर में जो है घर के लोग ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। फिलहाल कंप्लेंट उनकी फोटोज देखने के लिए गए, अभी तो वैसे कोई भी सीसीटीवी में कहीं नहीं दिखे, कहीं नहीं दिखे अभी तक, अभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। सुबह 6 बजे से ढूंढ रहे हैं, तो कोई भी क्लू नहीं है, कोई भी। घर में ये माँ बेटा बस अकेले ही रहते? हाँ जी। बेटा अभी MSc की, उसने एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता है, और वो भी क्या करेगा, माँ के सारा दिन 24 घंटे की रखवाली करनी पड़ती है उसको। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फ़िलहाल अपने बेटे के साथ जो है इसी घर में रहती हैं, और सुबह 5 बजे से लापता है। आप सभी लोगों का एक शेयर बड़ा कीमती हो सकता है, सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है। आप लोगों के शेयर की वजह से पहले भी बहुत सारे बिछड़े हुए लोग जो है अपने परिवारों तक सही सलामत पहुँचे हैं। तो आप सभी लोगों से अपील, वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर कर दें। आप क्या लगते हैं इनके? आप बता दें सर, आप क्या लगते हैं? मेरी फ्रेंड है जो इनका बेटा, वो मेरा फ्रेंड है, मेरी आंटी लगते हैं। हाँ जी। तो एज वगैरह क्या है इनकी? इनकी 49 इयर्स है, अराउंड 50 इयर्स की। लास्ट टाइम जब भी गए थे घर से कहाँ मिले थे? हमें निर्मल कुटिया में मिले थे ये, रात को हमने पूरा दिन ढूंढा, उसके बाद रात को हमें निर्मल कुटिया में मिले।
वैसे कोई बात वगैरह तो नहीं हुई घर में? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है तो उस वजह से इनको थोड़ा सा हो जाता है, भूल जाते हैं ये कई बारी। तो आप देख सकते हैं फिलहाल फ्रेंड्स फैमिली जो है सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों के सहयोग से जो है ये महिला वापस सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं, ऐसा जो है आप लोगों को हाथ जोड़कर अपील करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जॉब जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ये महिला परेशान थी घर के फाइनेंसिस को लेकर। बेटा है जिसने अभी अभी अपनी MSc कम्प्लीट की है, वो भी सुबह से अपनी माँ को ढूंढने के लिए पूरे करनाल भर में जो है धक्के खा रहा है, लेकिन अभी तक माँ का कोई भी अता पता नहीं है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दें, क्योंकि आप लोगों का शेयर बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है सुदेश जी को सही सलामत उनके घर तक पहुंचाने में। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के RK पुरम से, मेरे अनिरा बांडा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।